वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट इंडिया। ये वीडियो काफी शॉर्ट एंड सिंपल में रखने वाला हूँ। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कौन सी सस्ती CO2 रिवॉल्वर्स हम परचेस करें। उनमें से एक जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप अपनी लाइफ में शायद एक या दो ही CO2 रिवॉल्वर खरीदेंगे या गन खरीदेंगे, आप बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको पैलेट्स की भी फीलिंग आए, बीबीस की भी फीलिंग आए, तो आई विल रिकमेंड यू द गन। दिस इज पाइथन 357। ये गन आप खरीद लीजिए। क्यों? पहली बात, से सस्ती है, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। दूसरी CO2 रिवॉल्वर के मुकाबले सबसे सस्ती है। आई थिंक ये एंट्री लेवल की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी CO2 रिवॉल्वर जो वो बहुत महंगी आती हैं तो वो ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी की होती है। दूसरा, इसे भी उमरेक्स ने बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोल्ड पाइथन का है बट इसे बनाया उमरेक्स ने, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उमरेक्स आपको पता है जर्मनी के ब्रांड है। ये पाइथन 357 मॉडल है। इसकी सबसे अच्छी और सबसे जो खास बात है वो है इसकी कैपेसिटी। एक मैगजीन की कैपेसिटी जनरली रिवॉल्वर में 6 होती है बट इसके अंदर है 10, और साथ में आपको 3 क्लिप्स मिलती हैं। मतलब आप अगर तीनों सबको लोड करके रख लें तो आपके पास 30 बीबीस और पैलेट्स की जो है कैपेसिटी होंगी। इनमें 3 रिंग्स आती हैं, 2 आती हैं पैलेट्स की, 1 आती है बीबी की। मतलब इसके अंदर राउंड बॉल आप लोड कर सकते हो, प्लस जो लोहे की है, और इसके अंदर पैलेट्स। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पैलेट्स का क्या फ़ायदा होता है, बीबी का क्या फ़ायदा होता है। जब भी हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, जैसे कि कोक के कैन को फोड़ना है, बियर की बॉटल को फोड़ना है, या वैसे प्लिंकिंग जिसे हम कहते हैं, अगर आपको प्लिंकिंग करना है, बैकयार्ड प्लिंकिंग हम दिस अ टर्म इन USA, तो जब वैसी चीज़ें करनी है तो आप बीबी का इस्तेमाल करते हो। एंड व्हेन यू आर इनटू शूटिंग, मतलब निशाने की प्रैक्टिस करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, वैसी शूटिंग करनी है, तो जो टारगेट होता है उस पर छेद प्रॉपर गोल आए उसके लिए फ्लैट हेडेड पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दूसरे पैलेट्स रिकमेंड नहीं करूंगा, एंट्री लेवल की जो है बेसिक पैलेट्स का इस्तेमाल करिए और आप उसके लिए रेडी हो जाएंगे। दूसरा, इसमें भी CO2 भरना काफ़ी ईजी है, आप देख सकते हो। आप इसको बस यहाँ से क्लिक करिए, इसके अंदर ही आपको मैकेनिज्म में घुमाने का, अलग से आपको एलन की वैलन की लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी ईजी है। बाकी इसके जो सेफ्टी फीचर्स भी हैं, यहाँ पे आप सेफ का बटन भी है, काफ़ी ईजी है, एक ही बटन पे आप इसको लॉक कर सकते हो। तो सब कुछ इस गन के अंदर बेटर है, कमाल की है। इसकी पावर भी अच्छी है, वेलोसिटी 115 मीटर पर सेकंड है, जो कि रिवॉल्वर के लिए काफ़ी अच्छी है, 2.5 इंच के रिवॉल्वर के लिए। तो काफ़ी कूल गन है, मैं आपको बता सकता हूँ। 500 ग्राम की है तो काफ़ी अच्छी है। इसे आप परचेस करना चाहें तो अभी जा करके परचेस करिए हमारे वेबसाइट पे airsoftgunindia.com। इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होता है, सिर्फ आपको ID प्रूफ देना पड़ता है। गो एंड बाय राइट नाउ।